बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस का पता लगाते हुए एनसीबी के अफसरों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अब्दुल वाहिद अलियास सुल्तान मिर्जा नामक एक पेडलर अंधेरी में काफी एक्टिव है। मुंबई के पश्चिमी सबर्ब्स में अब्दुल वाहिद अलियास सुल्तान मिर्जा टीवी एक्टर्स, स्ट्रगलिंग एक्टर्स, स्मॉल टाइम जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं और मॉडल्स को ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। अब्दुल वाहिद को एक ट्रैप लगाकर उसकी गाड़ी के साथ पकड़ा गया। ये भी बताया जा रहा था कि अब्दुल वाहिद 4 बॉडीगार्ड्स के साथ घूमता था। उसकी गाड़ी से काफी मात्रा में चरस, गांजा और MD बरामद किया गया है। अब्दुल वाहिद को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में 6 दिनों के लिए भेज दिया है। करिश्मा प्रकाश, जिसकी पूछताछ आज दूसरे दिन भी चल रही है, और करिश्मा प्रकाश से वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं, किस तरीके से वो ड्रग पेडलर्स के संबंध में आई, क्या क्या ड्रग्स उन्होंने उनसे मुहैया कराए, किस तरीके के ड्रग्स उन्होंने कंज्यूम किए, क्योंकि उनके घर से भी ड्रग्स बरामद हुए थे।